बिलासपुर में बीती रात कार टक्कर से घायल हुए युवक के हत्या मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कार को भी कब्जे में ले लिया है। साथ ही मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय विनोद कुमार निवासी तलवार चांदपुर के रूप में हुई है। आरोपियों में शामिल प्रकाश व विकास निवासी सुंबल बिलासपुर के खिलाफ पुलिस ने गोरड्राइन हत्या का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर बस अड्डा के पास बीती देर रात दो युवकों ने अपनी गाड़ी से एक राहगीर को टक्कर मार दी। टक्कर से युवक के सिर में खून बहना शुरू हो गया और आरोपी घायल को अपनी गाड़ी में अस्पताल ले गए, लेकिन घायल को अस्पताल ले जाने के बजाय बंदला की तरफ चले गए। उन्होंने बंदला के साथ सड़क किनारे घायल को फेंक दिया। इस बारे में एएसपी बिलासपुर अमित शर्मा का कहना है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तकरीबन 11 बजे के आसपास पुलिस चौकी में एक इन्फॉर्मेशन आई कि बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति को एक छोटी गाड़ी ने हिट कर दिया है। तो इसी पे आगे आगामी कार्यवाही करते हुए जिला के जितने अस्पताल हॉस्पिटल्स हैं, RH है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ चेक किया गया। तो इस तरह का मामला वहाँ नहीं पाया गया, तो इलाके में तलाश की गई। तो बंदला एक स्थान है, उसे 4 किलोमीटर पीछे वहाँ पर एक डेड बॉडी पाई गई। डेड बॉडी को जब आइडेंटिफाई किया गया तो ये उसी व्यक्ति की थी जो बस स्टैंड में जिसके साथ कार ने एक्सीडेंट किया था। आगे छानबीन करते हुए वो गाड़ी भी ट्रेस की गई, गाड़ी का नंबर, गाड़ी का मालिक ट्रेस किया गया। जिस आदमी को उस गाड़ी के मालिक ने आगे गाड़ी बेची वो भी ट्रेस किया गया, तथा उस व्यक्ति से पता किया गया कि आजकल गाड़ी किसके पास है। वो व्यक्ति जो इस केस में मुख्य आरोपी है वो सुंगल नाम की जगह है, वहाँ उसको ट्रेस किया गया। एक साथ एक साथी था, वो भी सुंगल का ही है। इन दोनों को ट्रेस किया गया, इनकी गाड़ी को भी ट्रेस किया गया। और सुबह जो है गाड़ी का था एक आरोपी जो मुख्य आरोपी है गाड़ी चालक, उसे गिरफ्तार किया गया। और दूसरा जो उसका साथी था उसे भी जो है कुछ समय पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये मामला जो है सॉल्व कर लिया गया है। इसमें जो डिसीज्ड है और अक्यूज्ड है आइडेंटिफाइड है, और जो डिसीज्ड है वो फैमिली को हैंड ओवर कर दिया गया है उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के बाद। और जो अक्यूज्ड हैं वो दोनों पुलिस कस्टडी में हैं और व्हीकल जो है वो रिकवर की जा चुकी है।